हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में फुल कंपेयर फुल कंपैरिजन करने वाले हैं लेटेस्ट लॉन्च इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G सीरीज, जो कि इसमें दो स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो सीरीज 5G यह दोस्तों 12 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। इसका फ्लिपकार्ट पर टीजर आ चुका है और इन्ही दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपेयर करने वाले हैं। दो स्मार्टफोन इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G, एक और होने वाला है उसका छोटा भाई, लेकिन उससे कम नहीं है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G, दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बीच फुल कंपेयर एकदम तगड़ा वाला कंपेयर करते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। सबसे पहले इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बीच अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से जानते हैं। दोनों स्मार्टफोन को अनबॉक्स करते हैं, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन करते ही हमें सबसे पहले एक बॉक्स में मैग्नेटिक वायरलेस चार्ज मिल जाता है और एक अलग बॉक्स में ही उसके बाद स्मार्टफोन काफी अच्छे रैपर में पैक होकर आया है। उसी के बाद स्मार्टफोन पर टेम्पर्ड ग्लास, जो कि हम स्क्रीन प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, वह दिया गया है। उसी के बाद 70 वोल्ट का फास्ट चार्जर, टाइप सी यूएसबी केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, हैंड्स फ्री मतलब कि ईयरफोन्स जो कि टाइप सी वाले हैं, और कुछ स्टिकर्स और एक बैक कवर जो कि काफी मस्त क्वालिटी हमें मिल जाता है। यह सब दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में हमें बॉक्स में देखने को मिलता है, जो कि बॉक्स में काफी सारी चीजें दी गई है। अब दोस्तों हम इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को जानते हैं। यहाँ पर अनबॉक्सिंग बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक वही मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, जो कि फोन को काफी फास्ट चार्ज करेगा। उसके बाद ही कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, उसी के बाद टेम्पर ग्लास मिल जाता है जिसे हम स्क्रीन प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, उसी के बाद टाइप सी हैंड्स फ्री जिसे हम ईयरफोन्स भी बोलते हैं जो कि टाइप सी वाले हैं, उसी के बाद 100 वोल्ट 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर और टाइप सी यूएसबी केबल और एक बहुत ही मस्त क्वालिटी का बैक कवर। दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों बॉक्स कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको काफी सारी चीजें भर भर के दिए गए हैं। अब दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन एंड लुक की बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में प्रीमियम वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, जो कि नो डाउट हाथ में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं दोनों स्मार्टफोन। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग होता है, जैसा कि हमें आईफोन्स में देखने को मिलता है। यस दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में मैगसेफ चार्जिंग मिल जाता है, जो कि फोन को काफी फास्ट चार्ज कर पाओगे। और यह दोस्तों जो वायरलेस चार्जिंग होने वाली है, तो जो पावर बैंक है 3000 mAh का, जो कि बॉक्स में ही दिया जा रहा है, काफी मस्त बात है। यही फोन को थोड़ा सा अगर पास ले जाओगे तो अपने आप चिपक जाएगा फोन में, उसके बाद ही काफी फास्ट चार्ज कर पाओगे जस्ट क्लिक में कहीं भी और कभी भी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। जो कि आईफोन्स में यह मैगसेफ चार्जिंग देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आईफोन्स में वायर होता है, यह वायरलेस होने वाला है, कोई भी वायर नहीं होगा। और दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में कुछ इस तरीके का रेनबो कलर इफेक्ट जैसा लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक ग्रीन पर्पल किसी कलर में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि एक बटन के साइज का होने वाला है, काफी प्यारा लगने वाला है। किसी भी कलर में कस्टमाइज कर सकते हो, रेनबो कलर इफेक्ट में जो दिखाई देता है वो काफी कूल लगता है। किसी का नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज वगैरह अगर आप चार्ज पे भी लगाओगे तो यह ब्लिंक करेगा, कुछ इस तरीके का जलेगा रेनबो कलर इफेक्ट में, और येलो एंड कुछ अलग ही कलर में, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। और यह जो जो चीजें मैंने अभी तक बताई दोस्तों, वह दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, दोनों में ही यह काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ब्लैक कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर में देखने को मिल जाते हैं। और जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस होने वाला है, उसमें एक एक्स्ट्रा कलर ऐड किया गया है, जो कि एक लाइट रेड कलर होने वाला है। दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही पतले एंड लाइट वेट है, और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो हो या फिर प्रो प्लस 5G हो, दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ आते हैं। ओवरऑल फोन का डिजाइन एंड लुक काफी प्यारा है। अभी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G में या फिर इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में, दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले लगभग सेम है दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन में 6.78 इंच की फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होने वाले है, HDR 10 प्लस रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। नो डाउट दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही ब्यूटीफुल दोनों ही स्मार्टफोन में दिया जाएगा, कर्व डिस्प्ले है, ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत है। और जो सेंटर पंच होल में सेल्फी देखने को मिल जाती है, वह दोनों ही स्मार्टफोन में 32 MP की दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले दोस्तों काफी खूबसूरत मिल जाते हैं, HDR 10 प्लस है, कर्व डिस्प्ले है, AMOLED है, तो डिस्प्ले में नौसिखा है। अभी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें ना, दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर काफी एवरेज सा ही मिल जाता है। MediaTek Dimensity 7020 मिल जाता है, जो कि 6 nm पे, और इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 4,50,000 तक आ जाता है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर चिपसेट सेम ही दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X एंड UFS 2.2 दिया जाएगा, तो दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों आपको परफॉर्मेंस काफी एवरेज सा ही मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर दे देगा। थोड़ा सा और पावरफुल परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर दिया जाता तो काफी अच्छा होता दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसर में एटलीस्ट MediaTek Dimensity 7050 का सपोर्ट दिया गया होता तो काफी अच्छा होता। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों यह कोई गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन विजमा जैसे गेम को आप 60 FPS पर तो नहीं 40 FPS पर आराम से मक्खन की तरह विदाउट लैगिंग एंड विदाउट हीटिंग इशू खेल पाओगे, जो कि काफी फास्ट मक्खन की तरह हो जाएगा। प्रोसेसर पावरफुल है दोस्तों, जिससे आप गेमिंग वगैरह सभी कुछ आराम से बहुत ही फास्ट तरीके से सब कुछ काम डे टू डे का काम
कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए था। और दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की बात करें, दोनों स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है बैक में, दोनों स्मार्टफोन में 3x सुपर जूम देखने को मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन में OIS मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का दो छोटू मिल जाते हैं, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, जो कि दोनों स्मार्टफोन से खींचे गए सैंपल्स देख सकते हैं। कैमरा दोस्तों 108 मेगापिक्सल के कैमरे से ही काफी अच्छे इमेजेस आते हैं, लेकिन जो 2 मेगापिक्सल के दो छोटू दिए गए हैं वह किसी काम के नहीं है। जो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वह काफी अच्छा है, उसे काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज एंड काफी पिक्चर क्वालिटी काफी मस्त क्वालिटी का ले पाओगे। दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक नहीं रहने वाले हैं, NFC होगा दोनों स्मार्टफोन में। दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बिग बैटरी होने वाली है। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस में 100W का चार्जर दिया जाएगा, 100W का सुपर फास्ट चार्जर। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में 70W का फास्ट चार्जर दिया जाएगा, 70W का। और दोनों स्मार्टफोन में मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग होने वाली है, जो कि 20W का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर होने वाले हैं, साउंड बाय JBL ट्यूनिंग स्पीकर, JBL ने स्पीकर्स को ट्यून किया है, तो डुअल स्टूडियो स्पीकर है, हाई रेंज ऑडियो का सपोर्ट है, JBL के स्पीकर होने वाले हैं, तो साउंड क्वालिटी इंप्रेसिव, काफी एक्सलेंट साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, साउंड क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली। दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें लास्ट में, तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G 20 से लेकर 23,000 रुपए के बीच मिल सकता है। यस दोस्तों, प्राइस थोड़ी सी हाई होने वाली है, और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G दोस्तों 18 से 20 के बीच मिल सकता है। यही दोस्तों प्राइसिंग थोड़ी सी हाई हो सकती है। आपको दोस्तों दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे, कुछ कोई भी क्वेश्चन हो गया हो इन्हीं दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको प्राइसिंग कैसे लगी इन्हीं दोनों स्मार्टफोन की, इसके स्पेसिफिकेशन के एंड ऑल फीचर्स के हिसाब से, वैसे हमें कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो गया तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी और वीडियो का कंपैरिजन एंड कुछ और वीडियो से रिलेटेड कुछ और वीडियो का टॉपिक्स, किसी और स्मार्टफोन से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स, कुछ लिंक्स चाहिए हमें कमेंट में पूछिए, उसका वीडियो मैं जरूर लाऊंगा।